हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आप स्टडी कर रहे हो क्या घर पे वीडियो लेक्चर से, है ना? तो उसको आप ढंग से स्टडी करो, सारे का नोट्स बनाओ और एनसीईआरटी को आप जरूर पढ़ना हर वीडियो लेक्चर के बाद। ओके, तो कल आपने देखा था क्या सेल मेम्ब्रेन। अब अपने स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज अपन को देखना है क्या अगला जो आपका सेल स्ट्रक्चर में टॉपिक है, दैट इज सरफेस अपेंडिजेस। ओके, क्योंकि हमने सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहला लिखा था हमने क्या सेल वॉल, उससे पहले लिखा था ग्लाइकोकॉलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद लिखा था हमने सेल मेम्ब्रेन। तो हमने ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन देख लिया। अगला उसमें क्या है आपका सरफेस अपेंडिजेस। ओके, तो चलो देखते हैं आज का टॉपिक सरफेस अपेंडिजेस। ओके, सरफेस अपेंडिजेस। तो बहुत बार बता चुका हूं आपको मैं सरफेस अपेंडिजेस क्या होता है। सरफेस अपेंडिजेस वो सारे स्ट्रक्चर जो सेल सरफेस से बाहर की तरफ निकलता है ना। मान लो एक सेल है, इससे जो बाहर की तरफ जो भी स्ट्रक्चर निकलता है सेल सरफेस से, है ना, वो सेल वॉल से हो सकता है या सेल मेम्ब्रेन से हो सकता है ना। जो भी स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलेगा दैट इज कॉल्ड सरफेस अपेंडिजेस। ठीक है, ऑल दोज स्ट्रक्चर्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम द सेल सरफेस इज कॉल्ड सरफेस अपेंडिजेस। ओके, तो चलो मैं लिख देता हूं डेफिनेशन यहां पे, ऑल दोज structures which arises from the cell surface. अब cell surface में cell wall भी हो सकता है, cell membrane भी हो सकता है। arises from the cell surface is called surface appendages. ओके, इसको क्या बोलेंगे अपन, सरफेस अपेंडिजेस। तो आपने फ्लो चार्ट बनाया होगा, है ना, हमने बनाया था एक फ्लो चार्ट दैट इज सरफेस अपेंडिजेस में अपन को क्या क्या स्टडी करना है, सरफेस अपेंडिजेस में अपन को स्टडी करना था एक तो था आपका फ्लैजिला, है ना, जिसकी स्टडी आपने डिटेल में कर ली है। ओके, फ्लैजिला की। दूसरा इसमें देखेंगे अपन पिलाई, दूसरा क्या देखेंगे अपन पिलाई। ओके, अब देखो पहला फ्लैजिला, फ्लैजिला आप पढ़ चुके हो 21 प्रोटीन से बना हुआ है, फ्लैजिलिन प्रोटीन। ओके, एंड इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। 21 चीज में हेल्प करता है भाई, इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। आपने टाइप्स प्लस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला सारा देख लिया है, तो इसको अभी स्किप करते हैं अपन, अपन आते हैं किस पे, पिलाई पे, है ना। पिलाई में जो स्टडी करेंगे अपन, पिलाई दो टाइप का होता है। ओके, पहला पिलाई जो है आपका दैट इज कॉल्ड सेक्स पिलाई, पहला को क्या बोलते हैं अपन सेक्स पिलाई। ओके, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड सोमैटिक पिलाई, इसको डिफरेंट नेम से अपन बुला सकते हैं, सोमैटिक पिलाई, और आप बोल सकते हो इसको वेजिटेटिव पिलाई, और इसको अपन बोलते हैं टाइप वन पिलाई, या इसी को बहुत जगह पे क्या बोलता है भाई, फिम्ब्रिए। ये याद रखना, जनरली आपको यही टर्म देखने को मिलेगा आपको, फिम्ब्रिए, है ना। तो देखो दो टाइप का पिलाई हो गया, पहला हो गया सेक्स पिलाई, दूसरा सोमैटिक पिलाई, या इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव पिलाई, या टाइप वन पिलाई, या फिम्ब्रिए। तो ये नाम से पता चला सोमैटिक पिलाई और वेजिटेटिव पिलाई, means it is not going to help in the process of reproduction. Okay, and sex pilai se pata chal raha hai somehow it is going to help in the process of reproduction. Fir maine aapko ek aur baat batai thi ki bacteria mein true sexual reproduction kya hota hai, absent hota hai, hai na, lekin usme bhi dna transfer hota hai by some other means, jisme conjugation dekhna hai apan ko, transformation dekhna hai, transduction dekhna hai. To conjugation ek method hai dna transfer ka, kisme, bacteria mein, उसमें कौन हेल्प करता है, दिस सेक्स पिलाई हेल्प्स इन कंजुगेशन। ओके, ये सेक्स पिलाई किसमें हेल्प करता है भाई, कंजुगेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, फिर सोमैटिक पिलाई का क्या काम है, या फिम्ब्रिए का क्या काम है, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट, है ना। ये मान लो बैक्टीरिया को मेरे बॉडी के ऊपर आके बाइंड करना है, अटैच होना है। ओके, तो किसी भी होस्ट के सरफेस पे अटैच करवाने में काम करता है कौन, हेल्प करता है कौन आपका, फिम्ब्रिए और सोमैटिक पिलाई। ठीक है, दूसरा जब वाटर स्ट्रीम के साथ मान लो कि
बहुत तेजी से पानी बह रहा है कहीं पे, और उस पानी में क्या है, बैक्टीरिया है। तो ये क्या करता है, रॉक जो उसके अंदर होता है पानी के अंदर, उसके सरफेस पे भी, उस वाटर स्ट्रीम में उसके सरफेस पे भी अटैच होने में हेल्प करेगा। रॉक के सरफेस से कौन, ये सोमैटिक पिलाई या फिम्ब्रिए। ओके, तो होप आप समझ रहे हो कि क्या होता है सेक्स पिलाई और क्या होता है ये। सीधा क्या काम करेगा, सरफेस पे अटैच करवाने का काम करता है, कौन, सोमैटिक पिलाई या फिम्ब्रिए, और सेक्स पिलाई हेल्प्स इन कंजुगेशन। ओके, चलो इसको देखते हैं, डिफरेंस करके देखते हैं दोनों का, क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो देखते हैं अपन, एक साइड में लिखते हैं अपन सेक्स पिलाई, और एक साइड में लिखते हैं अपन फिम्ब्रिए। ओके, देखो डिफरेंस दोनों में क्या क्या है। पहला देखो, सबसे पहले आप देखोगे तो जो आपका सेक्स पिलाई है, इट इज लॉन्ग थीकर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, है ना, ये क्या आपका, इट इज लॉन्ग थीकर ट्यूबुलर, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा, है ना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंड इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड पिलिन। याद रखोगे ये किस प्रोटीन से बना हुआ है, पिलिन से, है ना। इसका कंपैरिजन अगर किसको देखे, फिम्ब्रियो को देखे अपन, तो फिम्ब्रियो क्या होता है आपका, इट इज शॉर्ट ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड फिम्ब्रिलिन। किस प्रोटीन से बना हुआ भाई, ये पिलिन से बना हुआ है, ये लॉन्ग होता है और शॉर्ट होता है। जो पिलाई है सेक्स पिलाई, इट इज मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन, एंड जो फिम्ब्रिए है या वेजिटेटिव पिलाई, इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड फिम्ब्रिलिन। किस प्रोटीन से बना हुआ है, फिम्ब्रिलिन। ओके, चलो अगला डिफरेंस देखते हैं इसमें, जो सेक्स पिलाई है, या इसको ट्रू पिलाई भी बोलते हैं ना, सेक्स पिलाई और ट्रू पिलाई, इट इज ओनली फाउंड इन, इट इज ओनली फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो सेक्स पिलाई है ये किसमें मिलता है भाई, बस ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जबकि जो फिम्ब्रिए है, इट इज प्रेजेंट इन बोथ, इट इज प्रेजेंट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव में भी होगा और ग्राम नेगेटिव में भी प्रेजेंट है। ओके, इसका जो नंबर है आपका, इसका नंबर लेस होता है। अगर नंबर की बात करें, नंबर इसका क्या होता है, लेस, कितना होता है भाई, 2-3 पर सेल। जो पिलाई के सेक्स पिलाई का नंबर होगा 2-3 पर सेल होगा, है ना, इसका नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। नंबर क्या होगा, ग्रेटर इन नंबर, ग्रेटर इन नंबर, कितना भाई, अप्रोक्स 300-400 पर सेल। एक सेल में इसका नंबर कितना हो सकता है, फिम्ब्रिए का 300-400 पर सेल। ठीक है, आगे देखो फंक्शन के बेसिस पे देख लेते हैं अब इसका, है ना, फंक्शन के बेसिस पे देखिए अपन, चलो देखते हैं फंक्शन के बेसिस पे इसको, है ना, पहले बता दिया इसका फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन helps in bacterial
कंजुगेशन है ना, इसको बोलते हैं अपन पार्शियल डीएनए ट्रांसफर। ओके अभी सीखोगे आप कंजुगेशन क्या होता है, ठीक है। ये मान लो मेल सेल है बैक्टीरिया का, ये फीमेल सेल है ना, इसमें इसका डीएनए है, ये प्लाज्मिड है, जानते हो आप कि मेन डीएनए होता है बैक्टीरिया में, उसके अलावा एक और डीएनए, तो दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड, ठीक है। तो इस प्लाज्मिड को मान लो यहां पे भेजना है, तो दोनों में ये अटैचमेंट करवाता है कौन आपका, ये सेक्स पिलाई है ना, जो सेक्स पिलाई है कंजुगेशन ट्यूब इसको बोलते हैं। ये दोनों सेल को ये सेक्स पिलाई क्या करता है, बना देता है क्या, ट्यूब, दैट इज कॉल्ड कंजुगेशन ट्यूब है ना। और इस कंजुगेशन ट्यूब होते हुए जो फीमेल सेल है इसमें डीएनए नहीं है, और प्लाज्मिड डीएनए कहने का मतलब है ना, और इसमें प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड क्या करता है अपना कॉपी बना लेता है, और इस कंजुगेशन ट्यूब होते हुए, कंजुगेशन ट्यूब होते हुए ये जो कॉपी है प्लाज्मिड का कहां पहुंच गया, फीमेल सेल में। ओके तो देखो क्या हुआ, मेल सेल है उसमें क्या है, प्लाज्मिड है, और वह प्लाज्मिड एब्सेंट है किसमें, फीमेल सेल में, ठीक है। जो ओरिजिनल डीएनए दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल डीएनए, आपने वीडियो देखा होगा पहले का, वो तो दोनों बैक्टीरिया में है, लेकिन मैंने बताया था कि प्लाज्मिड हर बैक्टीरिया में नहीं होता है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द बैक्टीरिया। ओके तो इसमें मेल सेल में प्लाज्मिड है ना, तो इसको एफ प्लस भी बोलते हैं अपन, क्योंकि इसमें प्लाज्मिड है तो इसलिए प्लस लगा दिया है ना, और इसमें प्लाज्मिड नहीं है तो एफ माइनस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये प्लाज्मिड क्या करेगा, पहले मेल सेल में अपना कॉपी कर लेगा, कॉपी मतलब एक से कितने हो गए, दो, कितने हो गए एक से दो, कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद जो सेक्स पिलाई है इट फॉर्म्स अ कंजुगेशन ट्यूब, एंड दैट ट्यूब इज गोइंग टू अटैच द टू सेल्स ऑफ द बैक्टीरिया, मेल एंड फीमेल सेल है ना, और उसी ट्यूब होते हुए जो प्लाज्मिड कॉपी करके बना था वो कहां पहुंच जाएगा, फीमेल सेल में। ओके तो देखो आप क्या हो रहा है, डीएनए का ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है कौन, इसी को बोलते अपन कंजुगेशन, इसको डिटेल में देखेंगे, अब ब्रीफ में समझ गए कंजुगेशन होता क्या है, इट इज अ पार्शियल डीएनए ट्रांसफर मेथड कंजुगेशन। तो जो सेक्स पिलाई है इट हेल्प्स इन बैक्टीरियल कंजुगेशन। ओके तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, इट हेल्प्स इन सेल टू सेल अटैचमेंट, कर रहा है ना, ये किस में हेल्प कर रहा है आपका, सेल टू सेल अटैचमेंट, तो ये बोल सकते हैं अगला, इट हेल्प्स इन सेल, एक सेल को दूसरे सेल से अटैच करवा रहा है, सेल टू सेल अटैचमेंट ड्यूरिंग बैक्टीरियल कंजुगेशन, राइट। ओके नाउ फिब्रिए का काम भी मैंने आपको बता दिया था, यह किस में हेल्प करेगा भाई, यह हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन सेल टू सरफेस अटैचमेंट, ध्यान दो, एक में सेल टू सेल अटैचमेंट है ना, और एक है सेल टू सरफेस अटैचमेंट है ना, ये बैक्टीरियल सेल को मान लो मेरे बॉडी पे, मेरे बॉडी के सरफेस पे अटैच होना है, इसमें फिब्रिया हेल्प करेगा, ठीक है। पानी में बहुत तेजी से बह रहा है, वहां पे रॉक है, रॉक के सरफेस पे अटैच होना है, तो इसमें कौन हेल्प करेगा, फिब्रिया हेल्प करेगा। तो यह कौन सा करवाता है, सेल टू सरफेस अटैचमेंट है ना, और यह कौन सा करवाता है, सेल टू सेल अटैचमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल कंजुगेशन। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ फिब्रिया एंड सेक्स पिलाई। ओके चलो आगे देखते हैं अपन अगला टॉपिक, आपने ये देख लिया सरफेस अपेंडिसेस में, क्योंकि फ्लैजिला हमने पहला कवर कर लिया था है ना, अगला क्या था, पिलाई एंड फिब्रिए, इस दोनों को भी हमने देख लिया अभी। चलो आगे देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो हमें स्टडी करना था सेल स्ट्रक्चर में, डेट इज साइटोप्लाज्म, क्या स्टडी करना था हमें, साइटोप्लाज्म। ओके तो पहले बेसिक एक चीज समझो, दो चीज होता है, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और एक होता है साइटोप्लाज्म, क्या डिफरेंस है भाई दोनों में, सोचो। एक न्यूक्लियोप्लाज्म आपने टर्म सुना होगा बार बार, एक सुना होगा आपने साइटोप्लाज्म, एक सुना होगा प्रोटोप्लाज्म है ना, ये सब सुना होगा। तो चलो बेसिक पहले देखते हैं, मान लो एक सेल है, इसके सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा सेंटर में, अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो सेंटर में क्या आपका, न्यूक्लियस। अब देखो इस पूरे सेल में कुछ फ्लूइड भरा हुआ है ना, और यहां न्यूक्लियस के अंदर भी भरा हुआ है, तो ये देखो आप
न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, क्या है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर कुछ लिक्विड आपको नजर आ रहा है ना, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ लिक्विड है और कुछ देखो इस बाउंड्री के बाहर भी है ना। तो जो भी लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर है ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो पहला देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है आपका फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस है कि नहीं। इस न्यूक्लियस के अंदर जितना फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाहर जितना है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं भाई, फ्लूइड आउटसाइड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से बाहर है उसको क्या बोलेंगे साइटोप्लाज्म। देखो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जितना फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके बाहर जो भी फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड, इस न्यूक्लियस को छुपा लो आप, फिर देखो जो भी बाहर फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब दोनों को मिला दो आप, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, अब दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। पूरे मतलब ये प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, टोटल फ्लूइड कंटेंट ऑफ दिस सेल इज कॉल्ड व्हाट, प्रोटोप्लाज्म है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म मतलब पूरे सेल के कंटेंट को क्या बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो क्या हो गया आपका टोटल फ्लूइड कंटेंट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। अब इसको एक बेहतरीन ट्रिक देखते हैं, क्योंकि देखो 2016 में 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था नीट में है ना। क्वेश्चन क्या था देखो कि प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं। अब अभी तो आपने सीखा प्रोटोप्लाज्म, अब क्या प्रोटोप्लास्ट। तो एक बेहतरीन ट्रिक देखते हैं, उससे आप कभी भूलोगे नहीं है ना, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ओके साइटोसोल हाइड्रोप्लाज्म ये सब। तो इसको देखते हैं जरा, फिर अपन मूव करेंगे साइटोप्लाज्म टॉपिक पे। ओके, पहले स्ट्रिप को देख लो, इसको एक हेडिंग के अंदर देख लेते हैं स्ट्रिप को है ना, हेडिंग के अंदर देख लेते हैं। हेडिंग क्या है आपका, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ किसका किसका प्रोटोप्लास्ट। पहला क्या है प्रोटोप्लास्ट, दूसरा प्रोटोप्लाज्म, तीसरा साइटोप्लाज्म। ओके, पहला प्रोटोप्लाज्म, दूसरा प्रोटोप्लाज्म, तीसरा साइटोप्लाज्म, फिर देखते हैं साइटोसोल या हाइड्रोप्लाज्म। ओके, तो चलो देखते हैं अपन होता क्या है। एक प्लांट से लेते हैं अपन है ना, कौन सा सेल लिया हमने प्लांट सेल, एक हमने लिया प्लांट सेल। प्लांट सेल में आप जानते हो सेल वॉल भी होगा और सेल मेम्ब्रेन भी होता है। प्लांट सेल में क्या होता है सेल वॉल भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी। ये क्या है सेल वॉल और ये क्या है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझो आप, हमने क्या लिया एक प्लांट सेल, एक प्लांट सेल लिया हमने है ना। उस प्लांट सेल से आप रिमूव कर दो, रिमूव किसको कर दो सेल वॉल को रिमूव कर दो। प्लांट सेल से किसको रिमूव करना है प्लांट सेल, एरो के ऊपर क्या लिखा हमने प्लांट सेल से आप सेल वॉल को रिमूव कर दो, तब जो स्ट्रक्चर बच गया इस सेल वॉल को हटाने के बाद दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट PLAST। ओके है ना, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या हो गया अ सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। ओके, अब देखो ये प्रोटोप्लास्ट है आपका। ओके, अब आप प्रोटोप्लास्ट से किसको हटा दो सेल मेम्ब्रेन को, प्रोटोप्लास्ट से किसको रिमूव करते हैं अपन, रिमूव सेल मेम्ब्रेन। अब किसको हटा दिया अपन सेल मेम्ब्रेन को हमने हटा दिया, अब जो बचेगा ना दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ओके, प्रोटोप्लाज्म से क्या हटा दिया हमने सेल मेम्ब्रेन को हटाया, तब जो बचा
इस सेल मेम्ब्रेन को जैसा ही हटाओगे इसके अंदर जितने भी लिक्विड कंटेंट है उसी को तो अपन क्या बोल रहे थे, प्रोटोप्लाज्म। ओके, होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप इससे क्या रिमूव कर दो, न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म से क्या रिमूव करो, न्यूक्लियस। देखते जाओ सीक्वेंस, आप बहुत इंटरेस्टिंग है। तो रिमूव कर दो किसको, आप न्यूक्लियस को। अब न्यूक्लियस के अंदर ही है ना भाई क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस को हटा दिया तो उसके साथ क्या हट गया, न्यूक्लियोप्लाज्म भी हट गया। तब क्या बचा, अब खुद से आंसर कर सकते हो आप, तब जो बचा डेट इज साइटोप्लाज्म, है ना। अब देखो इसी साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, है ना, लाइसोजोम्स जो भी है सब उसी के अंदर है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब उस साइटोप्लाज्म से सारे सेल ऑर्गेनल्स को बाहर कर दो आप, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म के अंदर है सबको बाहर कर दो, है ना। तो अपन किसको बाहर कर रहे हैं साइटोप्लाज्म से, रिमूव सेल ऑर्गेनल्स। किसको हटाना भाई, सारे सेल ऑर्गेनल्स को निकाल दो साइटोप्लाज्म से, फिर जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज साइटोसोल और हेलोप्लास्ट। देखो है ना आसान, जबकि बहुत लोगों ने गलत करा था, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, बहुत लोगों को बेसिक नहीं पता होता है ना कि प्रोटोप्लास्ट होता क्या है, ठीक है। तो अब आपको नहीं भूलना चाहिए कि क्या होता है प्रोटोप्लास्ट, क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, क्या होता है साइटोप्लाज्म और क्या होता है साइटोसोल और हेलोप्लाज्म। तो देख लो, एक प्लांट सेल लिया, उसका सेल वॉल हटा दो, जैसे ही सेल वॉल हटाओगे तो सेल विदाउट दिस सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। ओके, अब इसका सेल मेम्ब्रेन हटा दो तो पूरा फ्लूइड कंटेंट बच गया अंदर में, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को हटा दो तो क्या बच गया, साइटोप्लाज्म। उसमें से सारे सेल ऑर्गेनल्स को निकाल दो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, साइटोसोल या हेलोप्लास्ट। ओके, चलो होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। ओके चलो आगे देखते हैं, अब आते हैं अपन साइटोप्लाज्म के ऊपर, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करना, आप नोट डाउन कर सकते हो। चलो अब देखते हैं साइटोप्लाज्म। तो क्या है आपका, सबसे पहले इसका लिख लेते हैं, इट इज होमोजीनस। होप आप जानते हो होमोजीनस हेटरोजीनस क्या होता है, सॉल्यूशन, है ना। होमोजीनस ये भी आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कोलोइडल, है ना। इट इज होमोजीनस कोलोइडल मास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो इसमें सब कुछ मिलेगा क्योंकि साइटोप्लाज्म है, सब कुछ होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ओके, मिनरल्स एंड H2O। पक्की बात है साइटोप्लाज्म होगा उसमें H2O तो होगा ही होगा, है ना। देखिए आपका होमोजीनस कोलोइडल मास कोलोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, जिसमें सब कुछ का मिक्सचर आपका, देखो ना, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स, वाटर, एवरीथिंग। ओके आगे देखो, इसको याद रखना आपको, होमोजीनस साइटोप्लाज्म कैसा होता है आपका, होमोजीनस। ओके दूसरी बात, पहले बताया था इन केस ऑफ बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज एब्सेंट। ओके तो दूसरा पॉइंट तो इसको मेंशन कर लो फिर से यहां पे, साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज एब्सेंट। ओके ये होता क्या, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बताया था मैंने, मान लो ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म का मूवमेंट इसमें नहीं होगा, साइटोप्लाज्म एक ही जगह पे रहेगा यहां पे, है ना, अंदर में इसका मूवमेंट नहीं होता है, दिस मूवमेंट इज एब्सेंट इन केस ऑफ बैक्टीरिया। And the moment of cytoplasm inside a cell is called cytoplasmic streaming or cyclosis. Okay, so cyclosis is altogether absent in case of prokaryotic cell. चलो next point देखते हैं इसमें, ये बहुत important point है जो question बार बार आएगा, sap, vacuoles and gas, vacuoles are absent in cytoplasm. इसके cytoplasm में sap vacuole and gas vacuole absent होता है,
इन शॉर्ट आप बोल सकते हो बैक्टीरिया में सैप वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल क्या होता है, एब्सेंट होता है। बट एक चीज याद रखना, ये नोट करके लिखना इंपॉर्टेंट है ना, इन केस ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक बीजीए, बीजीए क्या है भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसे को अपन बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, इसमें फोटो पिगमेंट्स होते हैं ताकि ये क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके, है ना, ओके। दूसरा पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, अब बोलोगे पर्पल बैक्टीरिया क्या होता है, ग्रीन बैक्टीरिया क्या होता है, ये सब पिगमेंट के बेसिस पे होता है, आपके स्किन का भी कलर किसके बेसिस पे है, मेलानिन पिगमेंट, है ना, कलर के लिए पिगमेंट होता है, तो सब में जैसा पिगमेंट होता है और जैसा कलर देता है पिगमेंट उसके बेसिस पे इन बैक्टीरिया का नाम है, इसको भी डिटेल में देखेंगे इसी चैप्टर में अपन, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो इन केस ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, याद रखने का ये चीज, है ना, बाकी सब में क्या होगा, गैस वैक्यूल्स इज गोइंग टू बी एब्सेंट, ओके। चलो आगे देखते पॉइंट, अब इसमें आप जानते हो ऑलरेडी, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म में कोई भी ऐसा मेम्ब्रेन नहीं होगा जो मेम्ब्रेन बाउंड हो, मेम्ब्रेन बाउंड समझते हैं ना, मान लो ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये लेयर है, ऐसे कवरिंग है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसके ऊपर, दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ओके। तो इसमें एब्सेंट होगा, सारे मेम्ब्रेन इसमें कैसे होंगे, सारे ऑर्गेनल कैसे होंगे, जिसके ऊपर इसमें क्या हो, मेम्ब्रेन ना हो, ओके। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के बारे में मैंने बताया था आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन में, इट इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस इन आवर बॉडी, है ना, और ये दो टाइप के होते हैं, डिफरेंस जब देख रहे थे अपन तो 70S एंड 80S, यूकैरियोट में क्या मिलता है 80S एंड प्रोकैरियोट में क्या मिलता है 70S, और ये दो छोटे छोटे सब यूनिट को मिला के बना होता है ना, दो यूनिट को, दो सब यूनिट को मिला के बना होता है, एक को बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट, एक को बोलते हैं लार्जर सब यूनिट। तो आप बताओ प्रोकैरियोट की बात करें ना अपन, तो कौन सा राइबोसोम होगा भाई इसमें 70S, है ना, इन प्रोकैरियोट्स 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, कितना है भाई 70S, और ये 70S दो सब यूनिट को मिला के बना हुआ है, एक होता है स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, एक होता है लार्जर सब यूनिट, तो लार्जर सब यूनिट कौन है भाई इसमें 50S और स्मॉलर सब यूनिट 30S, 50 प्लस 30 70 होता है यहाँ पे, है ना, मैथमेटिक्स का लॉजिक अप्लाई मत करना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं सब होता है, जहाँ पे कुछ लॉसेस होंगे, दैट्स व्हाई 50 प्लस 30 इज नॉट 80, 50 प्लस 30 इज 70S, ओके। तो कैसा होगा राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन प्रोकैरियोट्स, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से राइबोसोम क्या होता है अटैच होता है, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर में राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स ऐसे करके अटैच होता है, कुछ राइबोसोम्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच होगा, कुछ राइबोसोम्स कहाँ होगा साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, है ना। तो ये राइबोसोम जो होता है क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, किसमें, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जो राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर होगा वह जो प्रोटीन बनाएगा वह सेल के अंदर ही रह जाता है, है ना। तो अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, है ना, मेक्स प्रोटीन
which remain within the cell. Within the cell. मान लो ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम है, ये जो भी प्रोटीन बनाएगा सेल के अंदर ही रहेगा, इसका ट्रांसपोर्ट बाहर नहीं होगा, है ना? जो साइटोप्लाज्मिक है वो अंदर ही रहेगा, उसका ट्रांसपोर्ट क्या होगा? बाहर नहीं होगा, ठीक है? बट जो भी मेम्ब्रेन के ऊपर, जो मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, वह जो प्रोटीन बनाएगा उसका ट्रांसपोर्ट बाहर हो सकता है। बात समझे? तो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर है, वह जो प्रोटीन बनाएगा वह सेल के अंदर ही रहता है, उस बैक्टीरिया के सेल के अंदर ही रहेगा जहां उसका फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जो राइबोसोम सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट था, वह जो प्रोटीन बनाता है वह बाहर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ओके, तो देख सकते हैं अपन, राइबोसोम्स ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेक्स प्रोटीन विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल। Makes proteins which can be transported out. Okay, आया समझ में आपको? अगला पॉइंट, ये फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म इज यूजुअली कलरलेस बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी पिगमेंट। इसमें कोई भी पिगमेंट होता नहीं है साइटोप्लाज्म के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज कलरलेस, है ना? बिकॉज इट लैक्स पिगमेंट। बट फिर से वही बात, बट इन सर्टेन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सम पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ओके, बट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक, फिर से वही एग्जाम्पल आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना? देयर इज प्रेजेंस ऑफ सर्टेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मीन्स ऑल दोज पिगमेंट्स व्हिच इज गोइंग टू trap the solar energy sunlight to initiate the process of photosynthesis. Okay, agar to photosynthesis ke liye kya chahiye? Light zaruri hai. Wo light ko kaun absorb karta hai? Photo pigments, hai na? To isme do photo pigment dekhne ko milta hai. Ek hai bacteria mein bacteriochlorophyll, naam yaad rakho kya, kaun sa pigment hai bhai? Bacteriochlorophyll. Aur ek hai bacterioveridin. ये दो पिगमेंट है जो बैक्टीरिया में मिलता है, जो भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे, कौन सा? बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो वेरिडिन, ठीक है? ये दो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन से बैक्टीरिया? सारे बैक्टीरिया में नहीं, ओनली दोज बैक्टीरिया व्हिच इज फोटोसिंथेटिक, फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। ओके, अब देखो ये जो पिगमेंट है इट मे बी स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, सीधे सीधे साइटोप्लाज्म में फैला हो सकता है या एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमैटोफोर्स, ठीक है? तो अगला पॉइंट वही मेंशन कर रहा हूं मैं, दीज पिगमेंट्स मे लाई स्कैटर्ड in the cytoplasm or is present in a structure called chromatophores. Chromatophores. So chromatophores kya ho gaya? Chromatophores is a small structure containing photosynthetic pigment in case of bacteria. That is bacteriochlorophyll and बैक्टीरियो वेरिडिन, है ना? तो मान लो बैक्टीरिया सेल है, ये मान लो आपका क्रोमैटोफोर है, ये क्या है? क्रोमैटोफोर, ठीक है? और इस क्रोमैटोफोर के अंदर ही क्या होता है? ये पिगमेंट होते हैं, कौन से पिगमेंट? बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो वेरिडिन। ओके,
चलो आगे देखते हैं इसमें। अगला जो साइटोप्लाज्म में देखते हैं, साइटोप्लाज्म में और क्या क्या मिलेगा? राइबोसोम देख लिया आपने, इसी के अंदर क्या मिलता है आपका? न्यूक्लियोइड, है ना। अगला स्ट्रक्चर क्या मिलता है इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर? न्यूक्लियोइड। बताया था आपको क्या है न्यूक्लियोइड, क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे? डीएनए कंटेनिंग, यहाँ पे डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है बैक्टीरिया के साथ, उसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियोइड। डीएनए कंटेनिंग एरिया इन प्रोकैरियोट्स, इसी को बोलेंगे डीएनए कंटेनिंग एरिया इन प्रोकैरियोट्स। मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, देन दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड को और किसके नाम से बुलाते हैं अपन? 04 बताया था मैंने, क्या इसको बोल सकते हो आप? इनसिपिएंट न्यूक्लियस और प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ओके, है ना। अब देखो जो न्यूक्लियोइड है उसका कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन, तो कंपोजिशन की बात करो तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? नेकेड डीएनए, नेकेड डीएनए मतलब डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, उसी को बोलते हैं ना, मतलब क्या हो गया? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, ओके। प्लस इसमें क्या मिलेगा आपको? आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, या कहीं पे सीधा लिखा होगा प्रोटीन। तो क्या क्या? डीएनए प्लस आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या हो गया? ऑल दोस प्रोटीन्स, है ना, अदर देन हिस्टोन प्रोटीन, जो भी हिस्टोन के अलावा जो सारे प्रोटीन होंगे दैट इज कॉल्ड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें 60% अप्रोक्स क्या होता है? डीएनए, 30% आरएनए और 10% लगभग क्या होगा आपका? नॉन हिस्टोन प्रोटीन या न्यूक्लियोइड प्रोटीन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोइड, ओके। अब देखो ये आप समझ गए, तो अभी हम देख रहे हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमने देख लिया क्या क्या मिलता है इसके अंदर, ठीक है। राइबोसोम्स इसके अंदर मिलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेगा, है ना। तीसरा चीज हमने देखा इसी के अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लियोइड ओरिजिन है जहां पे डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। एक और हमने लिखा था उसमें क्या, अगला क्या देखना हमें? इंक्लूजन बॉडीज, इसी के अंदर क्या अगला स्ट्रक्चर क्या होता है आपका? इंक्लूजन बॉडीज। साइटोप्लाज्म में अगला क्या मिलेगा आपको? इंक्लूजन बॉडीज, ओके। ये क्या है भाई? नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ध्यान रखना। इंक्लूजन बॉडीज क्या आपका? नॉन लिविंग कंपोनेंट। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ नॉन लिविंग चीजें भी होती हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। दीज आर मीन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड और सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर गोइंग टू एक्ट लाइक अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके। तो दीज आर नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ अ साइटोप्लाज्म, ओके। तो इसमें क्या क्या आता है देख लो, कौन कौन से आते हैं? प्रोटीन ग्रैन्यूल्स पहला, या इसको प्रोटीन क्रिस्टल्स लिखता है बहुत जगह पे, प्रोटीन क्रिस्टल्स। दूसरा है ऑयल ड्रॉपलेट्स, तीसरा है ग्लाइकोजिन, ग्लाइकोजेन ग्रैनुअल्स। चौथा है आपका इसमें वॉल्यूटिन, वॉल्यूटिन ग्रैनुअल्स। पांचवा आपका पी बी एच, जो ऊपर के तीन है दिस प्रोटीन ग्रैनुअल्स या प्रोटीन क्रिस्टल्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ग्लाइकोजेन ग्रैनुअल्स, है ना, दे एक्ट एज रिजर्व फूड मटेरियल। मान लो मेन फूड का कभी स्कार्सिटी हो गया सेल के अंदर, जो प्लांट सेल क्या लेता है? ग्लूकोज, है ना। तो मान लो कि उसका स्कार्सिटी हो गया कभी कभी, तो ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है जिसको उसमें यूज कर सकता है, ठीक है। प्रोटीन, ऑयल, ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स, वॉल्यूटिन ग्रैनुअल्स, इट एक्ट एज एनर्जी सोर्स, इट एक्ट एज एनर्जी सोर्स, मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। PBH, ये क्या है आपका? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, बायो डिग्रेडेबल
प्लास्टिक्स, ओके। और इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइट, ओके। और इट एक्ट्स एज अ कार्बन सोर्स, कार्बन एंड एनर्जी सोर्स, कौन? पीबीएच, ओके। तो दीज आर सम नॉन लिविंग कंपोनेंट और इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो आपको नाम याद रखना इसका, है ना, प्रोटीन ग्रैनुलर से क्रिस्टल, ऑयल ड्रॉपलेट, ग्लाइकोजन, वोलेटाइल ग्रैनुल्स, पीबीएच, है ना, दीज आर इंक्लूजन बॉडीज और नॉन लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट, तो ये सब आपने देख लिया। एक और चीज देखना जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड, है ना, उसको अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले एक लास्ट पॉइंट आप देख लो, राइबोसोम से रिलेटेड एक और पॉइंट है। जो राइबोसोम होता है, ये तो पता है कि प्रोकैरियोट का कैसा होगा, 70s, मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, 50s एंड 30s, ओके। राइबोसोम्स कभी कभी क्या होता है कि ये आरएनए है ना, जो बताया था मैंने, तीन आरएनए होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, है ना। इसमें से आप समझोगे डिटेल में, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, कभी कभी एक सिंगल एमआरएनए पे बहुत सारा राइबोसोम जाके अटैच करता है। बहुत सारे राइबोसोम्स क्या होते हैं, अटैच। देखो आरएनए कितना है, सिंगल, टीआरएनए का स्ट्रैंड है, इसमें क्या हो गया, ये सारे क्या है, राइबोसोम्स, है ना। सिंगल एमआरएनए हैविंग मेनी राइबोसोम्स, ऐसे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स। पॉली मींस मेनी राइबोसोम्स, पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स, है ना। तो कभी कभी प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है कि एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे कौन है आपके, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स, मेनी राइबोसोम्स और अ सिंगल एमआरएनए और पॉलीसोम्स, एंड इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। यहीं जाके बाद में ट्रांसलेशन करेगा और क्या बना देगा, प्रोटीन। ये सारे राइबोसोम्स ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, मतलब प्रोटीन बनाने में, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करोगे पॉलीराइबोसोम्स को, है ना, अ सिंगल एमआरएनए हैविंग मेनी राइबोसोम्स, दिस इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स, ओके। तो अब देखेंगे बाकी के टॉपिक्स, दैट इज प्लाज्मिड एंड अदर टॉपिक्स इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। थैंक यू।